फ्रेंड गुड मॉर्निंग। ये हम लोग एक मेट्रो स्टेशन पे हैं। ये हमारा दो चिलर लगा हुआ है, चिलर 1 और चिलर 2। ये चिलर 1 है, ये चिलर 1 है, ये चिलर 2 है। ये 500 टीयर का चिलर है। इसके पास इतनी क्षमता है कि हमारा पूरे स्टेशन को कूल कर सकता है, कूलिंग प्रोवाइड कर सकता है। ठीक है, ये हमारा चिलर का जो है एक्यूमुलेटर, आयल सेपरेटर जो बोलते हैं, ये हमारा आयल सेपरेटर है। ये हमारा आयल सेपरेटर का नेम प्लेट है। ठीक है, ये कौन सा ईयर में बिल्ट हुआ है, 2018 में। ये हमारा मॉडल नंबर है, ठीक है, 30XV8000-4301। ये हमारा मॉडल नंबर है, बाकी ये हमारा सीरियल नंबर है। ठीक है, सीरियल नंबर से हम ये पता चलता है कि ये कौन सा वीक में और कौन सा साल में इसको बनाया गया है। तो देखिए, 5018 मतलब 50 वीक और 2018, ऐसे इसको पढ़ा जाता है। बाकी ये लास्ट का जो होता है, ये सीरियल वाइज इसको रखते हैं। ये हमारा एक्यूमुलेटर है, ठीक है, आयल सेपरेटर जिसको बोलते हैं, आयल सेपरेटर है हमारा ये। और ये जो दो पट्टी लगा हुआ है, ये हीटर है, हीटअप का काम करता है। जब ये आयल हमारा ठंडा पड़ता है ना, तो इसको हीट करके उसको गर्म करता है। फिर आयल में जो है फ्रिक्शन की जो क्षमता है, उसमें लुब्रिकेशन की जो क्षमता है वो बढ़ाता है। ठीक है, इसका सप्लाई यहाँ से है, यहाँ से ये दो कॉयल में सप्लाई जा रहा है, ये आयल को हीट अप करने के काम में आता है। बाकी जो हमारा ये कंप्रेसर है, ये कंप्रेसर ए है, ये हम बॉक्स खोलेंगे, यहाँ से ये सब खोलेंगे तो हमारा कंप्रेसर दिखेगा। ठीक, एक हमारा इधर कंप्रेसर है, ये जो लंबा सा जो ये दिख रहा है आपको, ये इस चिलर का क्या है, इवोपरेटर है, कूलिंग कोयल है, जिसमें कूलिंग हो रहा है। ठीक है, और ये दिख रहा है जो आपको वी टाइप का, ये वी टाइप का दिख रहा है ना, ये हमारा कंडेंसर है। ठीक है, कंडेंसर है, ये VFD है। VFD मतलब वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव। VFD से हम लोग क्या कर रहे हैं, फैन है ना, फैन उसको हम ऑपरेट कर रहे हैं, फैन चला रहे हैं। ठीक है, ये जो वी टाइप का आपका जो कंडेंसर दिख रहा है, इसके ऊपर हमारा फैन लगा हुआ है। ठीक है, VFD से मोटर कनेक्ट है, मोटर से फैन कनेक्ट है, तो VFD चालू होगा, मोटर चलेगा, मोटर चलेगा तो फैन चलेगा। ठीक है, ये हमारा इकोनोमाइजर है, ये देखिए हमारा इकोनोमाइजर है। ठीक, और ये दो जो वाल्व है, ये मेन एक्सपेंशन वाल्व है, और ये जो वाल्व है इकोनोमाइजर एक्सपेंशन वाल्व, ये 60 से 65% की लोड जब बढ़ेगी, उससे ज़्यादा होगी, तब ये वाल्व ओपन होता है। ठीक है, अदरवाइज ये ओपन नहीं होता है, ये वाल्व ओपन होता है हमारा, हमारा चिलर स्टार्ट होने से पहले, ये मेन एक्सपेंशन वाल्व जो है, ये उसके 2-3 सेकंड पहले ये स्टार्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है, और उसको चिलर को बंद होने से पहले ये हमारा वाल्व बंद हो जाता है। ये हमारा फिल्टर है। ठीक, और मेन चीज़ है कि यहाँ पे लिखा है, कंडेंसर कॉयल विल नॉट स्टोर कंप्लीट रेफ्रिजरेंट। कहता है कंडेंसर का जो कॉयल है, विल नॉट स्टोर कंप्लीट रेफ्रिजरेंट, कंप्लीट रेफ्रिजरेंट स्टोर नहीं करता है चार्ज के दौरान, अलाउ पंप डाउन फॉर सर्विसिंग। सर्विसिंग के दौरान पूरा स्टोर नहीं कर पाता है, कुछ लॉस हो जाता है, इसलिए एडिशनल रेफ्रिजरेंट रिकवरी सिलेंडर विल बी रिक्वायर्ड। इसलिए एडिशनल थोड़ा सा ऐड किया जाता है। ठीक, ये हमारा दो पाइप कनेक्ट है, इनलेट और आउटलेट। ठीक, जैसे इधर है वैसा ही उस साइड भी है। वो जो हीटर का दो दिख रहा है आपको बेल्ट, वो हीटर है, और वो एक्यूमुलेटर है, फिर एक कंप्रेसर और उधर है। ठीक, जिधर जैसे हमने आपको इधर बताया वैसे ही उधर भी है। अब मैं आपका इसका वर्किंग बताता हूँ, ये कैसे काम करते हैं। इसे हमारा वो एक्चुएटेड वाल्व जो लगा हुआ है,
ठीक है, पाइप में आपको दिखाता हूँ सप्लाई और रिटर्न का। ये बाकी सब देखिए VRF है, वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो बोलते हैं इनको, VRF लगा हुआ है, काफ़ी सारा DX है। ये देखिए ये जो हाइट में है ये पाइप हमारा, ये किसका है, सप्लाई का है। सप्लाई का पाइप थोड़ा हाइट पे है और रिटर्न का जो है इधर से इसको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा अगर उतना हाइट रखेंगे, इसलिए थोड़ा डाउन रखा गया है ताकि कम भी फोर्स रहेगा तो हमारा वाटर का फ्लो और सर्कुलेशन आराम से होता रहेगा। ये सप्लाई का है, ऊपर से पानी आ रहा है, आराम से आएगा, इसलिए ये हमारा वाल लगा हुआ है, ये हमारा गेज लगा हुआ है, प्रेशर गेज इनलेट और आउटलेट का है। ये हमारा सप्लाई का है तो ये हमारा रिटर्न का है, ठीक है। तो इधर से हम लोग चिलर को सप्लाई दे रहे हैं, ऐसे जा रहे हैं, सप्लाई जा रहे हैं, और उधर से इवेपोरेटर कोयल में ठंडा होके फिर रिटर्न होके इस लाइन से रिटर्न लाइन से वापस रिटर्न हो रहा है। अभी इसका प्रोसेस क्या है कि जैसे हम चिलर को चालू करेंगे तो हमारा वाटर जो है इवेपोरेटर कोयल में जाएगा, वहाँ पे हमारा रेफ्रिजरेंट का फ्लो है, उस वाटर को प्रोसेस करके ठंडा करेगा, ठीक। और वो ठंडा वाटर जो हमारे रिटर्न लाइन से FCU में जाएगा, FCU के कोयल में घूमेगा, वहाँ पे कूलिंग प्रोड्यूस करेगा, ठीक। उससे हमारे जिस लोकेशन और जिस रूम में कूलिंग देना है वहाँ पे हम दे सकते हैं, ओके। बाकी वीडियो लेंदी होगा इसलिए मैं दूसरे वीडियो में कवर करेगा, इसका पार्ट्स लिख के पार्ट्स टू पार्ट्स समझाएगा आपको। थैंक यू।